नमस्कार, मैं इंदु कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। कोटका के पॉली मंगल हाई स्कूल में आज टीम सिंगर्स के बैनर तले स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर मुनरिता चटर्जी ने अपने सपनों को साकार करते हुए शौचालय निर्माण करने को लेकर भूमि पूजन किया। इस संबंध में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कई जगह निजी सम्मेलन से शौचालय निर्माण कराया। इस मौके पर अमिताभ चटर्जी, स्वीटी चटर्जी, अरिजीत सरकार समेत काफी संख्या की मौजूदगी में मुनरिता चटर्जी ने शौचालय निर्माण कराने को लेकर 20,000 का चेक प्रदान किया। उनके द्वारा किए जा रहे इस महान कार्य को देखते हुए पोटका के सभी क्षेत्रों में सराहना की जा रही है। रिपोर्ट शिव शंकर शाह की। पोटका में हमने मेरा 10th टॉयलेट जहाँ पे बनेगा उसका भीत पूजा संपन्न किया। ये मेरा 10वां टॉयलेट है जिसको मैं अपने पॉकेट मनी से बना रही हूँ। आज हम लोग पोली मंगल हाई स्कूल पोटका प्रखंड के एक स्कूल में आए हैं। मुनरिता का जो स्वच्छ भारत मिशन में जो टॉयलेट बनाने का जो 2016 से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसका ये 10वां टॉयलेट का उद्घाटन करने मुनरिता यहाँ पे आई है। और 150 साल जो गांधी जी का जन्मदिन का 2 अक्टूबर में पूरा है, मुनरिता का यही एक ख्वाहिश है कि अपना समाज के लिए उसका 10वां टॉयलेट गांधी जी के नाम से उत्सर्ग कर पाए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री के जो सपना है स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत का मिशन लेके जो मुनरिता चल रही है उसी का आज 10वां टॉयलेट का। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया एवं कोल्हान अध्यक्ष शिव शंकर शाह की देखरेख में जमशेदपुर डिमना रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की जरूरत को लेकर विशेष फोकस की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित सोशल मीडिया प्रभारी एवं टेक्निकल हेड रितेश कच्छप ने कहा कि आज के समय में फेक न्यूज और भ्रामक न्यूज से हम पत्रकारों को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पर भरोसा कर पत्रकारों द्वारा प्रेषित की गई समाचार को लोग सच समझते हैं और फेक न्यूज विकराल रूप ले लेता है। आईटी क्षेत्र से जुड़े एवं एसोसिएशन के सलाहकार सुधीर कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी तकनीकी रूप से सक्षम हाईटेक क्राइम करने में लगे हुए हैं। तरह तरह की जानकारियां लेकर और प्रलोभन देकर हमारे बैंक के खाते से पैसे गायब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेहरा पहचानो, लकी ड्रॉ, मोटरसाइकिल या कार के जीतने की खबर, फेसबुक में लिंक शेयर करना, लाइक करना या फिर लोगों द्वारा अपने ईमेल में आवश्यक कागजात रखने जैसे विषयों से दूर रहकर काम करना होगा। हमारे द्वारा ऐसा करने से हमारे सभी कागजातों, लिंक एवं ईमेल का पता व पासवर्ड आसानी से हैकर्स को जानकारी मिल रही है। इस अवसर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार किए गए। सारे पत्रकारों की सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संगठन हर पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। इस अवसर पर संगठन द्वारा समाज के हित में की गई कार्य करने की योजना बनाने को लेकर संकल्पित है। होता है इस तरह के टुच्चे दलालों को भी अपना ही काम में पकड़ना, जो अपने आप को पत्रकारिता के नाम पर दलाली जो कर रहे हैं वो हमारे ही काम को गड़बड़ कर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर क्या है, जैसे अभी हम रामगढ़ का एक छोटा सा घटना बताते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन मतलब कुछ ऐसी कुछ किया एक हॉस्पिटल में, तीसरी चौथी पास एक आदमी है वो पत्रकार का एक आईडी लेके घूम रहा, तो किसी को खबर हुआ, हम लोग ही पहुंचे। वो उस डॉक्टर को तो मतलब परेशान किया ही, जो उससे कुछ पैसा वैसा ऐठना था ऐठ लिया। पैसा ऐठना भी कोई गलत बात नहीं, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं भाई चलो उसका बिजनेस है, लेकिन जानते हैं उस बच्ची का जिसका इलाज हो रहा था वो बच्ची परसों मर गई। बच्ची मर गई, डॉक्टर का कोई दोष नहीं। डॉक्टर अपने आप को सेव करने के लिए, इवन उस बच्ची को बचाने के लिए 3 दिन तक वो लगा रहा, और 3 दिन तक लगे रहने के बाद भी अगर उससे नहीं बच पाया तो मैंने लास्ट में ये लोग पत्रकार जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार जिसको बोल रहे थे 2-4 दिन पहले, वो बस समझ लीजिए 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आया। और इस तरीके से कई जगहों पे, हर थाना की बात आप कर दें तो वहाँ पे पत्रकार कम वहाँ दलाल ज़्यादा नजर आते, और अब दलाली को दलाल को डायरेक्टली नहीं, एक सीधा साधा आदमी को उसने नौकरी से निकलवा दिया जिसका रोजी जीवन यापन उससे चल रहा, क्यों तो वही लोकल वीडियो लिया और उसको सस्पेंड कर दिया।
तो इस तरह के लोगों को भी आइडेंटिफाई करना हमारा काम, हमारा दायित्व है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और करवाना चाहिए। और ये काम का दायित्व भी हम ही ले, नहीं ले कोई दूसरा आदमी नहीं ले, क्योंकि नेता तो ये समझता है भैया पत्रकार है, मीडिया हाउस ने इसको पत्रकार बना दिया, मीडिया हाउस तुरंत खड़ा हो जाएगा, उसको हल्ला करने लगेगा, उसको डंडा करना शुरू कर देगा, तो ये सब चीज़ों से वो भी डरते हैं। तो हमें हम ही अपनी चीज़ों को प्यूरीफाई भी करना है। और दूसरी बात है ये आते कि आज अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोग अगर जैसे कोई गूगल क्या नाम है फेसबुक पे अगर कोई फोटो आया लग रहा है कि भाई ये फेक है कि ओरिजिनल है कि क्या है नहीं है, आप उसको निकाल करके राइट क्लिक करके तुरंत आप जाइएगा गूगल में सर्च मार दीजिए फोटो, आपको पता चल जाएगा कि वो अभी का खबर है कि पहले का खबर है। वो फोटो का गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी ये कर सकते हैं। अपने कम्युनिटी में ऐसे लोगों को रखिए, अपने फेसबुक में ऐसे लोगों को रखिए जो ऊट पटांग गाली गलौज लिख नहीं रहे, ये भी देखना है। और दूसरी बात कि हमें, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा प्रोफाइल अगर हम रितेश कश्यप तो हमको लोग अगर पत्रकार के नाते जान रहे हैं, उस कम्युनिटी में भी लोग हमको जान रहे हैं पत्रकार के नाते, तो वहाँ पर हो सकता है कि मेरा विचार किसी एक दल या किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ, लेकिन हम वहाँ पर तटस्थ रहे क्योंकि आप भी वही हैं जो या कहीं कुछ घटना घट रही है उसका वीडियो ले लिया और उसको वायरल कर दिया। अभी एक घटना बैठे हुए थे हम लोग अंदर, चर्चा हुआ कि एक मतलब एक दुर्घटना के ऊपर चर्चा हुआ, तुरंत प्रीतम जी ने बताया कि वो पुरानी घटना थी लेकिन उसको नए रूप में पेश किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चक्र में हम पत्रकार, हम जैसे पत्रकार भी फंस जाते हैं। ऐसी डेवलप कम्युनिटी हमारा हमारे लेवल का होना चाहिए, आप उस कम्युनिटी से कंफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन का कोई जर्नलिज्म के भी जर्नलिज्म स्कूल में भी नहीं है कि कैसे हमें आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि आम आदमियों में ये परसेप्शन बना हुआ है, ये धारणा बनी हुई है कि पत्रकार बोल रहा है इसका मतलब बिना पुष्टि का वो बोल नहीं रहा, और आपने अगर बोल दिया तो वो समझ लीजिए कि ब्रह्म वाक्य हो जाता है कि आपने सही बोला। आप फेक न्यूज को भी अगर आप, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े बड़े टीवी मीडिया भी कभी कभार फेक न्यूज चला देते हैं। बायोमेट्रिक कार्ड दी गई है, उससे क्या सुविधाएं मिल सकती है पत्रकारों को? बायोमेट्रिक कार्ड का कोई तोड़ नहीं है, इसको आप कहीं भी स्कैन करके आप सहज ही पता लगा सकते हैं, इसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसलिए एसोसिएशन ने बायोमेट्रिक कार्ड लॉन्च किया है। और क्या सुविधाएं हो सकती है? और सुविधाएं हैं कि आप कहीं भी जाइए, आपको उससे आपके आधार पर देश विदेश कहीं भी पहचान हो सकता है। बाकी अन्य पत्रकारों को देखिए, आम आदमी तो है ही आज की डेट में सोशल मीडिया पर, इन पत्रकार भी सोशल मीडिया के भ्रम में न फंस जाएं, इसके लिए आज की कार्यशाला रखी गई थी और आगे भी इस चीज़ पर हम लोग AISM की तरफ से करते रहेंगे और हमारे पत्रकारों को हम लोग तैयार करेंगे। और किन किन विषय में चर्चा की गई? जैसे सोशल मीडिया पे कैसे पत्रकारों को व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन्हें साइबर क्राइम से बच कर रहना है, और भी कई क्राइम जो हो चुके हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और उनसे कैसे बचने हैं वो उनका उपाय बताया गया। मुद्दा बहुत ही ज्वलंत था, साइबर सुरक्षा पे हम लोग बात कर रहे थे, साइबर सुरक्षा और फेक न्यूज़ को कैसे फैलने से हम लोग रोकें, क्योंकि देखिए पत्रकारों के तौर पे हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक सामाजिक दायित्व है हमारा कि हम गलत चीज़ों को फैलने से रोकें जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रहा है, और साथ ही साथ इंटरनेट के जरिए हम लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखें और बाकी लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस बारे में हम लोगों ने बात की। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सोमाई झोपड़ी से रानीडी को जोड़ने वाले एकमात्र पुल भारी बारिश के कारण बह गया, जिसके कारण बेड़ा डिपा नया बस्ती TRF कॉलोनी अभ्योदय नगर समेत कई बस्तियां का संपर्क रानीडी स्थित जुगसलाई राजनगर स्टेट हाईवे से टूट गया। नजदन आम लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले इलाके में बरसात के दिनों में अक्सर मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, डायरिया जैसी संक्रमक बीमारियां फैलती रहती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में मात्र एक पुल एम्बुलेंस जाने के लिए सहारा था। लोग भयाकांत हैं कि ऐसी बीमारियां फैल गई तो त्राही मच जाएगी। दूसरे पुल के उस पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी पंडाल बनता है, जहां दुर्गा पूजा के समय में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं।
रानीडी में सुभाष मध्य उच्च विद्यालय भी है जहां पढ़ने जाते हैं बच्चे। ऐसी स्थिति में फिलहाल बच्चे और स्थानीय लोग पानी कम होने के कारण नाले के अंदर घुसकर खुद फानकर इधर उधर आना जाना करते हैं। इधर भाजपा नेता व समाजसेवी कृष्ण चंद्र पात्रों का कहना है कि संपूर्ण घाघेटी विकास समिति की ओर से 14 अगस्त 2018 को तत्कालीन डीसी से इस जगह पर पुलिया व गार्ड वॉल बनाने की मांग की गई थी। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को गार्ड वॉल व पुलिया बनाने का आदेश भी दिया, इसके बावजूद इसकी सुध नहीं ली गई। बाद में भाजपा नेता कृष्ण चंद्र पात्रों ने स्थानीय लोगों की मदद से श्रमदान कर और अपने पैसे लगाकर पाइप इत्यादि सामान की खरीदारी करके दुर्गा पूजा के मद्देनजर वर्ष 2018 में इसे ठीक कर दिया था, परंतु इस पुल के डर जाने से लोगों की चिंता बन गई है। जी, ये जो हादसा हुआ सुबह 7 बजे, हाँ। तो कोई तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ? दिक्कत तो हुआ, बकरी था, सुअर वगैरह था, किसी किसी का उधर गह गया ना, कहाँ गया पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, हाँ। आगे घर वगैरह को कोई नुकसान किया? घर तो नहीं नुकसान हुआ, क्योंकि आज पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा। ठीक, आना गया। टूट गया, कब टूटा है? टूटा आज ही सुबह 7 बजे करीब इस बारिश में टूटा है। किसका किसके द्वारा बनाया गया था ये तो हम लोग खुद ही मट्टी फ्लाइस डाल के और पाइप डाल के बनाए थे पिछले साल दुर्गा पूजा में। पिछले साल भी ऐसे बह गया था, तो हम लोग 14/8/2018 को डीसी साहब को ज्ञापन दिए थे। डीसी साहब आनंद थाना बनाने के लिए बोला था, पर वीडियो साहब को भेजे थे, और भेजने के दौरान ऐसा कि 15 दिन में तो पुल बनेगा नहीं, तो हम लोग मिट्टी डाल के इसको फिर दोबारा बनाए। फिर दोबारा अभी तक पुल तो बन जाना चाहिए पर बना नहीं। अभी फिलहाल हमारे फ़ोन द्वारा विधायक मैडम से हमारी बात हुई, तो विधायक जी बोले कि आपका पुल तो हो गया है, पर टेंडर होगा तो इस साल पुल बन जाना चाहिए। पर अगर अभी अगर जल्दी बन जाता तो हमारा दुर्गा पूजा में भक्तजनों का आवागमन में बाधित नहीं होता, फिर मूर्ति लाने का भी असुविधा हो जाएगा। मात्र यही एक रास्ता है, किसी कारणवश अगर आपातकालीन कुछ हो जाता है, एम्बुलेंस या फायर गाड़ी भी इस बस्ती में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बस्ती पूरा झुग्गी झोपड़ी बस्ती है।